कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे के कुछ जागरूक युवाओं ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से बाजार सहित भीड़ भाड़ वाली जगहों पर संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बेहद कम कीमत पर देसी जुगाड़ से बॉडी सैनिटाइजर टनल का निर्माण किया है, जो कि काफी कारगर साबित हो रहा है। इस सैनिटाइजर टनल का निर्माण शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले पानी और इत्र का फव्वारे छोड़ने वाले पंखे से किया गया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से हाइड्रोक्लोराइड और पानी का मिश्रण डालकर थोक सब्जी मंडी गेट और दो मुख्य चौराहों पर लगाया गया है, जिससे थोक सब्जी मंडी में आने और जाने वाले और दवा दूध सहित अन्य जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने वालों का फुल बॉडी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं अब ये जुगाड़ कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। कुछ युवा लोग नौतनवा से हमारे पास आए कि बॉडी सैनिटाइजर मशीन लगाया जाए, तो इस समय बॉडी सैनिटाइज़र मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो हमने देसी जुगाड़ जो टेंट हाउस में सेंट मारने वाली मशीनें थी उनको उपलब्ध कराया नगर पालिका नौतनवा ने, और उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया केमिकल डालकर, और रिसर्च काफ़ी हद तक सफल रहा। तो तमाम लोगों के कहने पर ये बॉडी सैनिटाइज़र मशीन लगाई गई, ये 3 जगह लगाई गई है जो काफ़ी कारगर है, शहीद भगत सिंह मंडी समिति गांधी चौक। जो लोग दवा खरीदने सब्जी खरीदने बाहर निकलते हैं उनका इस टनल से गुजरकर बॉडी सैनिटाइजर अच्छे तरीके से हो जाए, जो 3-4 घंटा कारगर रहता है, एक प्रयास है, और मुझे ये लग रहा है ये प्रयास सफल है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मशीन कारगर साबित हो रही है, और भी जगह अभी लगाई जाएगी।